अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, इंग्लिश होगा इंगेजमेंट, ओरिस का मतलब होता है अयस्क। तो जैसे मान लीजिए कोई अयस्क है, क्या है अयस्क है, उसमें जो अशुद्धि है क्या है अशुद्धि, या इसको हम सांद्रण भी बोलते हैं। ठीक है ना, सांद्रण है इसको का सांद्रण या इसको का समृद्धिकरण। तो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको क्या करना, दूर करना, क्या कहलाता है अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण। अच्छा, अशुद्धि को जो है दूर करने का मतलब क्या है, एक चीज बताइए, उसमें जो आवश्यक पदार्थ हो कि अनावश्यक। अशुद्धि को दूर करने का मतलब क्या, आवश्यक पदार्थ की अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है ना, तो चाहे आप लिखिए अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक, दोनों चीज सही अपने आप। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी भी अयस्क से अनावश्यक पदार्थों को दूर करना या किसी भी अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है अयस्क का समृद्धिकरण या अयस्क का सांद्रण। लिखिएगा परिभाषा, किसी भी अयस्क से अयस्क से अशुद्धियों या अनावश्यक पदार्थों को अलग करना अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण कहलाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है, अगर आप लोग से बोला जाए कि एक कोई बहुत शक्तिशाली घटक है और दूसरा कम शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली वाला कम शक्तिशाली वाले से अगर मान लीजिए रिएक्शन करेगा, ठीक, तो उसमें होगा क्या, जैसे हम लोग सक्रियता श्रेणी में क्या पढ़े हैं, कणका मागे, ठीक ना, के का मतलब पोटेशियम, कणका मागे, ठीक। तो यहां पर हम सक्रियता श्रेणी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है घटती है, घटती है, तो ऊपर वाला तत्व तो ज्यादा क्रियाशील है कम, ज्यादा, नीचे वाला कम। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अयस्कों के सांद्रण या शुद्धिकरण के दौरान
या समृद्धिकरण के दौरान अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है मोटा ताजा लड़का जेसीबी टाइप का जो है आया बाहर से, ठीक, और एक तो जो सिंगल मछली का पहलवान हमारी तरह बैठा हुआ था, ठीक, तो जेसीबी टाइप वाला आया उसको ऐसे जेसीबी तरह पकड़ा कालम फेंक दिया उठा के, तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को हटाया कि कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को, अधिक क्रियाशील वाला कम मतलब मोटा वाला मटका आया पत्थर के फेंक दिया है ना, बस हो जाए। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भी अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, जाके फेंक देता है, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुद्धिकरण हो जाता है। लिखिएगा सक्रियता श्रेणी वाला वीडियो जो है देखियो ना, जो नहीं देखा होगा देख लेगा, ठीक, सक्रियता श्रेणी नाम से ही वीडियो बना हुआ। तो लिखिएगा सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में ऊपर के तत्व अपने नीचे के तत्वों से, ऊपर के तत्व अपने नीचे के तत्वों से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, इस प्रकार अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये हम लोग कहां पढ़े पहले चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एकल विस्थापन में, याद है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख क्या देख रहे हैं कि के जो है या ने से ज्यादा क्रियाशील है, तो जैसे मान लीजिए के हो गया और ये NaCl पे जो है, NaCl एक यौगिक है और ये के क्या एक तत्व है, अभी इससे रिएक्शन किया तो के और ये मारपीट हो गया, इससे रामायण महाभारत नहीं हुआ था, बीबी के लिए मारपीट हो गया था ना, पटकी पटका हो गया था जी। यहाँ पे जो सीएल के लिए मारपीट हो रहा है, सीएल क्या है, एने की वाइफ है, सीएल क्या है, एने की वाइफ है, बीबी धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का धर्म पत्नी हमको नहीं पता, ठीक है ना। के आया एने को लगा मारने पट 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 एक तरफ से ले झापड़ ले झापड़, जैसे लग रहा था बमबारी हो रहा हो अल्फा कण कर, ठीक, तो बेचारा जो है यदि भाग गया तो के का जो है रिएक्शन हो गया सीएल से, तो क्या बन जाएगा हमारा KCl। अब KCl कहे बन जाएगा क्योंकि के पे भी एक प्लस पाया जाता, सीएल पे भी एक माइनस, यानी जो है मुंह गिरा के इधर लटका के पड़ा हुआ है, भगा दिया गया से, भगा दिया गया घर से, निकम्मा घोषित हो गया है, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व के यहाँ पे क्या है, सक्रियता श्रेणी में क्या है, ऊपर है ना, तो जो ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा सक्रिय होगा, जो उसके नीचे होगा वो कम सक्रिय होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक। तो यहाँ पे यह क्या है, कम क्रियाशील है, यह क्या है, कम क्रियाशील है, और के क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। इसको छापिए जल्दी जल्दी, अगला हिंट निकालिएगा भर्जन रोस्टिंग, भगवान
एग्जॉस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सल्फाइड यौगिक है, कौन सा सल्फाइड यौगिक है, ठीक है ना, सल्फाइड यौगिक है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, लेकिन ध्यान देना है इसके गलनांक बिंदु के नीचे तक, गलनांक के नीचे तक, और जब गलनांक के नीचे तक गर्म करेंगे ना तो ये जो है क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भर्जन। तो जैसे मान लीजिए कोई सल्फाइड यौगिक है उसको हम गर्म करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हम पिघलने ना पाए, उसके गलनांक बिंदु के नीचे तक गर्म करेंगे, और ऐसे स्थिति में अंत में हमें वो किस अवस्था में प्राप्त होता है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसको उतारिए फटाफट, अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए आप कहीं पे गर्म कर रहे हैं तो वहां पे वायु रहेगा तब नाक जलेगा, ठीक, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वायु की उपस्थिति भी होना चाहिए, ठीक है ना, पास सुने, तो परिभाषा क्या बनेगी, लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा, किसी सल्फाइड यौगिक या अयस्क, किसी सल्फाइड यौगिक या अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक, उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करने पर, उस यौगिक का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, हो गया, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड है जेडियन यस, जिंक सल्फाइड का मतलब जेडियन यस, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है ना, तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जेडियन पे दो प्लस ऑक्सीजन पे दो माइनस, अरे यही तो है यार, जेडियन पे दो प्लस होता है और ऑक्सीजन पे दो माइनस, इसके नीचे लिखेंगे तो जेडियन, जेडियन नीचे कितना लिखेंगे दो, और ओ के नीचे कितना लिखेंगे दो, तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जेडियन टू, जेडियन टू ओ टू, दो से दो कट गया, हमारा क्या आ गया, जेडियन ओ प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है ना, अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां पे क्या बता रहा है, ऑक्सीजन कितना बता रहा है, दो एक तीन, हा? और सल्फर कितना बता रहा है, एक बता रहा है, तो ऑक्सीजन यहां पे अगर मान लीजिए हम यहां पे तीन से गुणा कर दें, तीन से गुणा कर दें तो हमारा कितना ऑक्सीजन हो गया, तीन दुना छह ऑक्सीजन, ठीक, तो यहां पे हमारा दो से गुणा कर दें, हाँ दो से गुणा कर दें, ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कई बार हो गया, दो हो गया, दो सल्फर हो गया ना, अब दो दुना चार ऑक्सीजन,
और एक यहाँ 5 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन हो रहा है 6, एक काम करते हैं 2 से यहाँ भी पूरा कर देते हैं, 2 से यहाँ भी पूरा कर देंगे तब क्या हो जाएगा हमारा Zn2 हो जाएगा, और सल्फर कितना हो गया 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 6, बैलेंस हो गया। ठीक, तो हो गया हमारा जिंक सल्फाइड, क्या हो गया ये जिंक सल्फाइड, और ये किससे क्रिया किया तो ऑक्सीजन के संपर्क में इसको क्या किया गया गर्म किया गया। ठीक है, तो हमारा जो है भर्जन क्या होता है समझ में आ गया, किसी सल्फाइड यौगिक या अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करने पर हमें उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं भर्जन के द्वारा केवल सल्फाइड यौगिक को ही गर्म करके उससे धातु प्राप्त किया जा सकता और किसी यौगिक का नहीं। ठीक, आज के लिए इतना, बाकी कर दो।